नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर अभी मौजूद है नेपाल काठमांडू में और हम दर्शन करने आए थे यहाँ पे पशुपतिनाथ जी के। साथ ही में हमें एक ऐसी महिला मिलती है जो कि हैंडीकैप है, अपाहिज है। आप बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई इस एक दिव्यांग महिला को देख पा रहे हैं, जिस तरह से इनके पैर जो हैं, आप नज़दीक से थोड़ा सा दिखाएं, बात भी करना चाहेंगे। नाम क्या, नाम क्या आपका? परमिला परियार है। कहाँ से रहने वाले? दादिंग गजुरी। थोड़ा सा जोर से बोलिए, नेपाल में? नहीं, गजरी है, नेपाली। नेपाली। आपका शादी हो गया है? हाँ, ये देख ले ना। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, कुछ मुद्दा इस तरह सा है, छोटी सी बेटी है। हाँ, छोटी बेटी है। और जिस तरह से हम चाहेंगे, अगर इंडिया की बात होती तो सरकार मदद करती है, अगर नेपाल सरकार इनके लिए कुछ कर पाए, इन जैसे लोगों के लिए जो अपाहिज हैं, हैंडीकैप लोग हैं, बेसहारा लोग हैं और इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इसके पति जो है, यहाँ पे हमने देखा उसको पीट भी रहा था, उसकी छोटी सी बेटी भी है, वो शराब पीकर ये पीट रहा था। तो ये कुछ समाज के लिए एक बहुत ही बुरा एक मैसेज है, संदेश है कि इन जैसे लोगों के लिए जो भगवान के भरोसे लोग होते हैं, इनकी सहायता करें। आप लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं, बेसहारा के लिए आप किसी हंसी का पात्र ना समझकर इनकी मदद करें, इन जैसे लोगों की मदद करें। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार ने कभी आपको पेंशन नहीं दी इस चीज़ के लिए? ना दे। क्या मांग रहेगी? सही को मांग ले, वो मतलब पेंशन लगे। सही को मांग, क्या कह रहे हैं? सही को मांग ले वो नेपाल से, नेपाल सरकार से। देखिए बिल्कुल, और स्थिति दिखाइए थोड़ी सी, स्थिति कितनी ख़राब स्थिति है, टांग जो है वो बिल्कुल नहीं है, और जिस तरह से बेटी है, एक छोटी सी बेटी है जिसको ये पाल रही है, तो ये बहुत ही एक दुखद मुझे लगा। और मुझे, मैं इसीलिए भी इस खबर को दिखा रहा हूँ कि जो नेपाल सरकार है, इस तरह के लोगों के लिए जो है वो एक्शन ले, संज्ञान ले, ताकि इन जैसे लोगों का जो है भला हो सके। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के मजलूम लोगों के लिए जो है वो आफत बनी है, पति जो है शराब पी के पीटता है, बच्चा छोटा सा है, ये महिला जाए तो जाए कहाँ पे? सरकार जो है कोई इनको ऐसा कोई फंड नहीं देती, कोई यहाँ पे कोई पेंशन नहीं देती है। तो गौर करें नेपाल सरकार और इन जैसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कहें। रहते कहाँ हैं, घर कहाँ हैं? दादिंग। दादिंग में रहते हैं। हिंदी समझते हैं थोड़ी थोड़ी? नेपाल धादिंग जिला हो जाए। अच्छा, अपनी भाषा में ही बोल दीजिए कुछ सरकार के लिए। नेपाली हो? नेपाली। गोजरी। गोजरी। उजलो गांव। अच्छा, माता पिता कोई है? ना, कोई नहीं है। और भाभी है, वो भैया है। अच्छा, भाभी और भैया हैं। तो अभी पत्नी है ना, बेटी है। अच्छा, ये आपकी क्या लगती है? भाभी है। भाभी लगती है। देखिए बेचारी, इसकी आंखों में आंसू है और जिस तरह से ऐसे लोग, इनके लिए सरकारों को कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि नेपाल सरकार वाकई ही इन लोगों के लिए कुछ करे, ऐसी दिव्यांग महिलाओं के लिए जो कि बेसहारा है और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी है, तो करे। और लोगों से भी, तमाम लोगों से इस खबर को जो भी लोग देखेंगे, हो सकता है अभी आप रहते कहाँ हैं एक बार फिर से बता दीजिए, लोग अगर आपके हेल्प करना चाहें कहाँ आएंगे? हम सेम्बू रह रहे हो। सेम्बू। सेम्बू ये कहाँ पड़ता है? सेम्बू देख लियो ना, सेम्बू नज़दीक है यहाँ से ना। ये पशुपति है ना? अच्छा। सेम्बू है ना, सेम्बू यहाँ के दो मिनट तीन मिनट लग लियो के बस बैठ जाओ। तो नहीं, चलिए हम कोशिश करते हैं आपके साइड में वो। अच्छा, देखिए यह एक तरफ जो है भगवान पशुपति नाथ जी हैं, जहाँ से देश नहीं हम तो कहेंगे विश्व भर से लोग जो हैं, आस्तिक लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, तो उनका सहारा बनिए और नेपाल सरकार इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ संज्ञान ले, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।